हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। पहले हम देख लेते हैं इसका नॉर्मल क्राइटेरिया क्या होता है। जो साइकिल इंटरवल होती है वो 21 टू 35 डेज होती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो कितना होता है? 5 टू 7 डेज। ब्लड लॉस कितना होता है? 20 टू 80 ml। अगर इस क्राइटेरिया से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन को हम एबनॉर्मल में मानेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो साइकिल हमारी 21 टू 35 डेज चल रही है, लेस देन 15 डेज की साइकिल हो गई उस कंडीशन को, या फिर मोर देन 7 डेज किसी को मेंसेस हो रहे हैं वो कंडीशन, या फिर जो ब्लड लॉस हो रहा है वो 80 ml से ज़्यादा हो रहा है, ये कंडीशन किस में आ जाती है? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में। इसमें क्या क्या कंडीशन आ जाती है? एक तो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जो कि फंक्शनल लेवल पे जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल में इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही हैं, तो वो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या स्ट्रक्चरल ब्लीडिंग, ये इसके। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की हम बात करते हैं तो उसका निमोनिक्स है पाल्म कोहेन। इसको डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चरल कॉजेस और नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेस। तो स्ट्रक्चरल कॉजेस में क्या है? पाल्म, इट मींस पॉलिप, पी मींस पॉलिप, ए मींस एडेनोमायोसिस, एल मींस लियोमायोमा और फाइब्रॉइड, एम मींस मैलिग्नेंसी। हम बात करते हैं नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेस की, तो फर्स्ट वन जो कॉज है, सी मींस कोगुलोपैथी, ओ मींस ओवुलेटरी डिसऑर्डर। एनीवन, कोई भी ओवुलेटरी डिसऑर्डर होता है तो उस कंडीशन से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है। ई फॉर एंडोमेट्रियल, आई मींस इटियोजेनिक। अगर कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा कोई भी हमें ऐसी इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल में प्रॉब्लम आ रही है, उस कंडीशन को इटियोजेनिक बोलते हैं, या फिर जो क्लासिफाइड नहीं है उस कंडीशन। किसमें डिवाइडेड हो गई? स्ट्रक्चरल कॉजेज एंड नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज में। हम बात करते हैं इसके कुछ क्लिनिकल टाइप्स की। जैसे फर्स्ट वन है पॉलीमिनोरिया, मींस पॉली मींस फ्रीक्वेंट, ठीक है, मैनी। अगर किसी को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है नॉर्मल कितनी होती है? 21 टू 35 डेज की। अगर लेस देन 21 डेज की किसी को साइकिल हो रही है तो देन इट इंक्लूड्स इन पॉलीमिनोरिया। मेनोरेजिया की बात करते हैं तो इसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब मोर देन 7 डेज या फिर मोर देन 80 ml ब्लड लॉस होता है। ये जो मेनोरेजिया होता है वो रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है। मान लीजिए पहले जो साइकिल हुई है वो 28 डेज में हुई है, तो नेक्स्ट साइकिल भी 28 डेज में ही होगी, थर्ड वन भी 28 डेज में ही होगी। इसकी जो साइकिल रहती है वो नॉर्मल रहती है, रेगुलर रहती है, ठीक है। बात करते हैं मेटोरेजिया की, तो इसमें क्या कंडीशन होती है? इसमें भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है, मीन 80 ml, या फिर मोर देन 7 डेज किसी की साइकिल चल रही है। लेकिन इसमें जो होता है वो इरेगुलर इंटरवल पे होता है। फर्स्ट वन 28 डेज पे हुआ, सेकेंड 31 डेज पे हुआ, थर्ड वन 35 डेज में हुआ, ये कंडीशन देखने को मिल जाती है मेटोरेजिया में। बात करते हैं मेनोरेजिया और मेटोरेजिया की, तो मेनोरेजिया और मेटोरेजिया में दोनों कंडीशन आ रही है, इट मींस मेनोरेजिया भी आ रही है, सेकेंड वन मेटोरेजिया भी आ रही है, तो इसमें दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। बात करते हैं इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसमें जो ब्लीडिंग देखने को मिल रही है वो रेगुलर मेंस्ट्रुएशन तो होते हैं उसके दौरान उसमें ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, देन इट इंक्लूड्स इन इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बात करते हैं हाइपोमेनोरिया की, तो हाइपोमेनोरिया क्या होता है? स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन, मतलब अगर किसी लेडीज में मेंसेस जो हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, इट मींस स्कैंटी, इट्स इंक्लूड्स इन हाइपोमेनोरिया। लेकिन ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है? इसमें साइकिल कम आती है, पर ईयर इसमें साइकिल जो होती है वो 7 to 8 साइकिल आती है, 8 साइकिल पर ईयर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेंसेस की कंडीशन आ रही है, जो साइकिल रिपीट हो रही है वो मोर देन 35 डेज की हो रही है, इसकी वजह से ये जो साइकिल होती है वो ओलिगोमेनोरिया में कंडीशन आ जाती है, ठीक है। हाइपोमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया में, हाइपोमेनोरिया में जो मेंसेस होते हैं वो स्कैंटी होते हैं, लेकिन ओलिगोमेनोरिया में
इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन होता है मोर देन 35 डेज का. 7 to 8 साइकिल होती है मेंसेस की पर ईयर. इट इंक्लूड्स इन ऑलिगोमेनोरिया. बात करते हैं इसके कॉजेस की. फर्स्ट वन डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. इसमें कोई भी पैथोलॉजीज देखने को नहीं मिल रही है. ठीक है, तो ये जो कोई भी पैथोलॉजीज इसमें देखने को नहीं मिल रही है, इट इंक्लूड्स इन डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. सेकेंड वन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि अबॉर्शन हो गया, उसमें भी मैसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग लॉस होती है. एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो गई. एक्टोपिक प्रेगनेंसीज का टर्म होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी हमारी यूट्रस में होती है. यूट्राइन म्यूकोसा को छोड़ के जो इम्प्लांटेशन हो रहा है फर्टिलाइज ओवम में, वो कहीं भी हो सकता है, चाहे वो एक्स्ट्रा यूट्राइन हो या फिर एब्डोमिनल हो या फिर यूट्राइन में ही कहीं हो, जैसे कि सर्वाइकल. ठीक है, तो इट इंक्लूड्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ट्रोफोप्लास्टिक डिसीज, जो ट्रोफोप्लास्टिक डिसीज होती है हाइड्रेटिव फॉर्म मोल, उस कंडीशन में भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है. अब बात करते हैं जेनाइटल कॉजेस की. जैसे कि कोई ट्यूमर प्रेजेंट है, जैसे कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट हो गए, तो फाइब्रॉइड्स तो मल्टीपल होते ही हैं, या फिर कोई पॉलिप प्रेजेंट हो गया, ये कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर मैलिग्नेंसी कोई कंडीशन आ गई, जैसे कि यूट्राइन का कार्सिनोमा हो गया, सर्वाइकल कार्सिनोमा हो गया, ये कंडीशन. इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, तो वो भी क्या करेगी, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को कॉज करेगी. एंडोमेट्रियोसिस या फिर एडिनोमाइसिस, कोई भी हमने इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज किए जिसकी वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है, या फिर प्रोलैप्स या फिर रिट्रोवर्जन देखने को मिल रहा है यूट्रस में, जिसकी वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है. एक्स्ट्रा जेनिटल में कैसे कैसे आ जाते हैं, जैसे कि एंडोक्राइन में हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें भी क्या होती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज देखने को मिल जाती है. जो TSH है वो ईस्ट्रोजन के लेवल को सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल में इरेगुलरिटीज देखने को मिलेंगी. हिमेटोलॉजिकल कॉजेस, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटिक एनीमिया हो गया, या फिर बोन मिलिरुबिन फैक्टर हो गए. क्रॉनिक सिस्टमिक डिसीज, कोई रीनल फेलर हो गया, या फिर लिवर फेलर हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, ये कंडीशन देखने को मिल जाती है. एट्रोजेनिक कंडीशन देखने को मिल रही है, या फिर कोई इमोशनल की वजह से ज्यादा स्ट्रेस ले ली, तो जिसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिल रही है, ओबेसिटी की वजह से. तो ये सारे कॉजेस हो गए एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के. अब हम बात करते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये क्या होती है. इसमें भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, लेकिन इसमें कोई भी पेल्विक पैथोलॉजीज प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, कोई भी इसमें एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स नहीं होते, कोई भी इसमें सिस्टमिक डिसीज नहीं होती, कोई भी इसमें डिस्क्रेसिया कंडीशन देखने को नहीं मिलती है. ठीक है, ये क्या किसकी डेफिनेशन होगी, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की. इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि एनोवुलेटरी जो साइकिल चलती है, सेकेंड वन इज ओवुलेटरी जो साइकिल चलती है. ठीक है, तो एनोवुलेटरी में क्या कंडीशन आ जाती है, इसमें क्या हो गया, एनोवुलेशन. पहले से जो हाइपोथैलेमस पूरी साइकिल को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या फिर ओवरी, इन तीनों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन नहीं हो रही है. ठीक है, जब कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा. जब प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा तो जो उसका ईस्ट्रोजन का जो अपोज करेगा तो वो साइकिल नहीं चल पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूस एंडोमेट्रियम की स्टिमुलेशन होता रहेगा, लेकिन ये क्या करेगी, फिर उसके बाद में एक टाइम पे ये डीजनरेशन कॉज कर देगी या फिर नेक्रोसिस कॉज कर देगी. एंडोमेट्रियम क्या होगी, सेडिंग होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो रही है वो रैपनिंग तरीके से हो रही है. नॉर्मली कौन रेगुलेट करते हैं एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को, प्रोजेस्टेरोन. जब प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हो ही नहीं रहा तो ये कंडीशन किसमें आ जाती है, एन ओवुलेटरी डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, मतलब इसमें ओवुलेशन नहीं हुआ है, एग की फॉर्मेशन नहीं हुई है. ठीक है, ये साइकिल क्या करती है, एन ओवुलेटरी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. बात करते हैं ओवुलेटरी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की, तो इसमें जैसे कि मिनोरेजिया हो जाता है. इसमें क्या होगा, अगर एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का एब्सेंस है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को अल्टरेशन आएगा. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन क्या होगा, जिसकी वजह से
ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, जिसकी वजह से फाइब्रोटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। जब फाइब्रोटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी। ये कंडीशन जो देखने को मिलती है वो ओवुलेटरी डिसफंक्शन यूटराइन ब्लीडिंग में होती है, लेकिन जो ओवुलेटरी डिसफंक्शन यूटराइन ब्लीडिंग है वो लेस कॉमन है। मोर कॉमन जो देखने को मिलता है वो एन ओवुलेटरी डिसफंक्शन यूटराइन ब्लीडिंग है। जैसे कि अभी बताया था, इरेगुलर रैपनिंग हो जाएगी, इरेगुलर सेडिंग हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कॉज होगी। आईयूसीडी का इंसर्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, या फिर कोई भी हमने ऑपरेशन यूज किया है जिसकी वजह से एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, किसी लेडी को एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग हो रही है तो हम कैसे इंस्पेक्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कैसे उसकी डायग्नोसिस करेंगे। फर्स्ट वन बात करते हैं हम जनरल एग्जामिनेशन की, जो हमें देखने से पता चल जाए। मतलब ब्लड लॉस जो हो रहा है 80 ml से ज्यादा हो रहा है तो बॉडी में क्या होगी, ब्लड की कमी आएगी, जिसकी वजह से पैलर फेस होगा, एडिमा कॉज होगी, या फिर कुछ उसके सिस्टमिक एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा, एनीमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या होगा, हम उसका वाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। स्पेकुलम एग्जामिनेशन में क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो कि वजाइना के अंदर इनसाइड इंसर्ट की जाती है, जो कि सर्विक्स को देखती है, तो उसमें हमें पता चल जाए कोई भी एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं या फिर वजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई कंडीशन, अगर कोई पैल्विक पैथोलॉजीज प्रेजेंट है तो हमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो रही है, तो उस कंडीशन में हम यूएससी करेंगे, सलाइन इन्फ्यूजन करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, या फिर एंडोमेट्रियल की सैम्पलिंग निकाल के उसकी मैलिग्नेंसीज को कॉज करेंगे, कहीं इस एंडोमेट्रियम में मैलिग्नेंसीज तो नहीं हो रही है, या फिर हिस्टोस्कोपी करेंगे, एमआरआई करेंगे। तो ये जो हो गया इन्वेस्टिगेशन का क्राइटेरिया हो गया, जनरल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन एंड स्पेशल एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग में क्या हो रहा है, हार्मोन्स के लेवल पे अल्टर हो रहा है। ठीक है, जब हार्मोन्स के लेवल पे अल्टर हो रहा है तो मतलब हम इसके हार्मोन सप्लीमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या फिर प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। मेनली प्रोजेस्टेरोन की वजह से हमारे कॉर्पस लूटियम फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, एनोवुलेटरी डिसफंक्शन यूटराइन ब्लीडिंग कॉज हो रही है तो हम बाहर से क्या कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन का सप्लीमेंट दे सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस रुक जाए। या फिर एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग में क्या कॉज हो सकता है, जैसे कि हम उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करें, कोई भी अगर उसमें पैथोलॉजी कोई भी प्रेजेंट है, फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट है, या फिर कोई भी ट्यूमर प्रेजेंट है, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन प्रेजेंट हो रही है तो हम उस कंडीशन में देख सकते हैं, एंडोमेट्रियल का एब्लेशन कॉज कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ये। ठीक है, डीएनसी कर सकते हैं, डायलिटिस एंड क्यूरेटिस, मायोमेक्टोमी कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस किसमें होता है, एंडोमेट्रियोसिस तो मायोमेट्रियम में भी हो सकता है, ओवरी में भी हो सकता है। एडेनोमायोसिस किस में होता है, मायोमेट्रियम में होता है, तो उस कंडीशन में हम मायोमेक्टोमी रिमूव कर सकते हैं। फाइब्रॉइड्स किस में होता है, मायोमेक्टोमी में होता है, मायोमेट्रियम में सॉरी, तो उस कंडीशन में रिमूव कर सकते हैं मायोमेक्टोमी को, मायोमेट्रियम लेयर को। हिस्टोस्कोपिक रिसेक्शन कर सकते हैं, अगर कोई भी पॉलिप या फिर मायोमा कोई भी प्रेजेंट है, हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, मतलब पूरा यूट्रस को रिमूव कर दिया। तो ये सारी कंडीशंस हो गई सर्जिकल मैनेजमेंट की।